चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल तीन रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। केस की समाअत के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ने 50 करोड़ से कम करप्शन के मुकदमात वापस ले दिए। किस कानून के तहत ये तफरीक बनाई गई है? इस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब के निजाम का मुहाफिज नैब है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एहतसाब के कवानीन में सबसे सख्त कानून नैब का ही है। नैब के दायरे से निकलने वाले किसी और कानून के तहत एहतसाब के अमल में शामिल होंगे। क्या 50 करोड़ की हद इसलिए मुकर्रर की गई कि बड़ी मछली को पकड़ा जाए? क्या 50 करोड़ से कम की करप्शन करने वालों की इज्जत अफजाई की जा रही है? चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ट्रायल की रफ्तार बहुत सुस्त होती है। नैब तरामीम 2022 में इंक्वायरी के वक्त मुल्जिम की गिरफ्तारी को निकाला गया। जुलाई 2023 में नैब कानून में दोबारा इंक्वायरी सतह पर गिरफ्तारी को शामिल किया गया। नैब केसेस में इंक्वायरी की सतह पर गिरफ्तारी के नुक्स को निकाल कर दोबारा शामिल किया गया। इंक्वायरी सतह पर गिरफ्तारी नैब की गिरफ्त और सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए की गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब कानून के जरिए सियासी इंतकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए।